हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ सुगौली मार्केट अपने नानी माँ के संग और अपने मम्मी के संग जा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं सुगौली मार्केट। तो अब ऑटो आ गई है, तो हम लोग जा रहे हैं अब ऑटो में बैठने। तो अब मैं ऑटो में बैठ गई और जा रही हूँ सुगौल मार्केट घूमने। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं सुगौली मार्केट का नज़ारा। अब सुगौली के लिए मेरी गाड़ी रवाना हो गई। तो आप लोग बने रहिए मेरी इस ब्लॉग में और रास्ते में आप लोगों को दिखाते चलूँगी इस रास्ते का दृश्य कितना अच्छा दिख रहा है ना, चारों तरफ हरा भरा। ये देखिए गांव का घर कितना अच्छा दिख रहा है। और आप लोग भी मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरी ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने में। आप लोग भी देख लीजिएगा सुगौली मार्केट कैसा है। मेरे मामा जी के घर से ज़्यादा दूर सुगौली मार्केट नहीं है, बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। बिशनपुरवा गांव है ये, सुगौली मार्केट से पहले पड़ता है। वाह, ये देखिए कितना सारा आम का पेड़ दिख रहा है। इन सारे पेड़ में बहुत सारा आम है, कुछ खट्टे हैं आम, कुछ मीठे हैं। जो खट्टे हैं वो कच्चे हैं, जो मीठे हैं वो पक्के हैं। बहुत सारा आम है, मुझे तो देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरे यहाँ भवानीपुर में इतना ज़्यादा आम का पेड़ नहीं है। तो अब हम लोग सुगौली वाला रास्ते में चल दिए। ये सब सुगौली मार्केट ही है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं सुगौली मार्केट। अब इधर हम लोग की गाड़ी रुकने वाली है। तो फाइनली अब हम लोग सुगौली मार्केट आ गए। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अब सुगौली मार्केट का नज़ारा। तो अब हम लोग यहाँ से पैदल ही जाएंगे लो मार्केट में, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना है और बहुत सारा सामान भी खरीदना है। ये देखिए ताज़ा ताज़ा आम, ताज़ा ताज़ा तरबूज, आइए ले जाइए 10 रुपए के 20 किलो, आइए ले जाइए ले जाइए। तो अब हम लोग बीच मार्केट में आ गए हैं लोग। हम लोग को जाना है पहले मॉल में कपड़ा खरीदने। तो चलिए अब हम लोग मॉल में चलते हैं। यही है सुगौली का मॉल। पहले हम थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कपड़ा खरीदने जाएंगे लो। चलिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा मस्ती कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़ा खरीदाएगा। ये देखिए मॉल के आसपास में कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे पहले सिनेमा हॉल था, अब यहाँ पे कपड़ा का मॉल बन गया। हे भगवान, हे हरि राम, प्रभु ये क्या हुआ, यहाँ पे हॉल से मॉल बन गया। दया करो प्रभु, दया करो।
आप लोग जो कुछ भी कहिए, मॉल बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए हम भी थोड़ा इसका दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे कपड़ा खरीदने इसके अंदर। ये देखिए दीदी लोग कितना अच्छा सा ड्रेस पहन के खड़ा हुई है लोग, एकदम सावधान में। इन्हीं लोगों को तो फूल आजादी मिल रहा है। हम भी थोड़ा इन लोगों के जैसे खड़ा होकर देख रहे हैं कि कैसे दिख रहे हैं। दीदी लोग यहाँ पे सूट पहन के खड़ी है, तो हम यहाँ पे टहल लेते हैं। तो अब हम लोग कपड़ा खरीद लिए, मॉल के अंदर वीडियो नहीं बना पाए, अब जा रहे हैं लोग दूसरा कुछ खरीदना है। ये देखिए सुगौली मार्केट का अंदर का नजारा कितना सुंदर दिख रहा है। सुगौली का मेन मार्केट यही है, कितना अच्छा दिख रहा है, चारों तरफ दुकान ही दुकान। इस साल के गर्मी की छुट्टी में हम बहुत मस्ती किए। ये देखिए सारा दुकान दिख रहा है। ये देखिए इधर भी बहुत सारी दीदी लोग सावधान में खड़ी हैं। इधर भी बहुत सारा आम केला बेचा रहा है। इधर साइकिल बेचा रहा है। दुकान की कमी नहीं है इस मार्केट में, बहुत सारा दुकान है, बहुत भारी मार्केट है ये सुगौली मार्केट। आप लोग भी आइए सब YouTube फैमिली एक बार सुगौली मार्केट घूमने, बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे हर एक जरूरत की सामानें मिलती है, सस्ता से भी सस्ता, महंगा से भी महंगा। आइए आइए आप सब YouTube फैमिली आइए यहाँ पे शॉपिंग करने। स्वागत है आप सब YouTube फैमिली को सुगौली मार्केट में शॉपिंग करने के लिए अपने अपने पैसों से। अब तो मुझे बहुत डर लग रही है, अब मेरी कान छेदाने जा रही है। अब तो सीधी मम्मी लेके जा रही है सुनार की दुकान पर। हे भगवान, अब सुनार का भी दुकान आ गया। बचा लो भगवान, बचा लो, यही है सुनार का दुकान। मेरी कान तो छेदा गई, मैं बहुत जोर जोर से रो रही थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। मेरी कान बहुत दर्द कर रहा था, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, मैं चुपचाप खड़ी थी। उधर और सब शॉपिंग कर रही हैं लोग। मैंने गई होटल में कुछ खाने के लिए, तो वहाँ पे बस मीठा ही चीज था, तो मैं बस आइसक्रीम ही ले ली। क्योंकि मेरी कान छिदाई थी तो मीठा चीज खाने के लिए मना किए थे लोग, इसीलिए मैंने आइसक्रीम ही ले ली। और वहां से हम लोग आगे निकल गए। आइसक्रीम खाके मैं खुश हो गई और घर जाने के लिए ऑटो में बैठ गए लोग। मम्मी ने बोली थी कि चलो तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद देते हैं, और मम्मी ने मार्केट में लाकर मेरी कान छेदवा दी, उसके बाद कपड़ा खरीद। मैं जब इधर से जा रही थी मार्केट में, तो मैंने देखी कि इधर एक दादी बैठकर मैंगो और एप्पल बेच रही थी। मुझे इस दादी पे तरस आया तो मैं यहाँ पे रुक गई। मैंने यहाँ पे मैंगो और एप्पल खरीद रही थी, तो भैया के चेहरे पे बहुत खुशी आया।
हमेशा छोटे दुकान से सब सामान खरीदना चाहिए, बड़े दुकान से तो सब कोई खरीदता है। मैं एप्पल खा रही हूँ, बहुत मीठा है एप्पल। आइए आप लोग भी खा लीजिए। अब मैं घर जा रही हूँ, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मौसम बहुत खराब हो गया है, ये देखिए बारिश भी होने लगा और मैं मस्ती भी करने लगी। मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश और चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधा। मैं अपने हाथ पे बारिश की बूंदें रोक रही हूँ। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी। नमस्ते, बाय बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।